प्रदेश भर में भूमि पर अवैध कब्जा मुक्त कराने को लेकर कवायद जोरों पर है, जिसके चलते मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन ने भी एक बड़ी कार्यवाही करते हुए भोपा थाना क्षेत्र के गांव जौली में करीब 7 हेक्टेयर भूमि को चिन्हित किया है और जमीन को कब्जा मुक्त कराया है। लेकिन जमीन पर काबिज लोगों का आरोप है कि यह जमीन उनके द्वारा कब्जाई नहीं गई है, बल्कि यह एक शत्रु संपत्ति थी और इसे जमीन को उन्होंने सरकार से ही खरीदा है। ये मामला मुजफ्फरनगर के भोपा थाना क्षेत्र के गांव जौली में सामने आया है, जहां पर कुछ लोगों ने प्रशासनिक अधिकारियों पर आरोप लगाया है कि उन्होंने जिस जमीन को सरकार से खरीदा था, आज प्रशासनिक अधिकारी उसी संपत्ति को अवैध कब्जा बताकर उनसे छीन रहे हैं। मामला उस समय का है जब भोपा थाना क्षेत्र के गांव जौली में प्रशासनिक अधिकारियों की टीम ने सैकड़ों बीघा जोत भूमि और आबादी क्षेत्र में कार्यवाही करते हुए लाल झंडियां लगाकर शत्रु संपत्ति की भूमि को चिन्हित कर लिया। प्रशासन की कार्यवाही से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। ये शत्रु संपत्ति नहीं है जी, ये सरकार ने से सन 81 में बैनामा कराया था मियां इजहार हुसैन ने जी, मियां इजहार हुसैन से फिर ये कराया सन 86 में हमारा नाम हुआ बैनामा जी। इसमें शत्रु संपत्ति नहीं है, वैसे हाई कोर्ट में भी इसका इष्ट हो गया है 3 महीने के लिए, निस्तारण करें वो कलेक्टर को लिख दिया है। प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना थी कि प्रदेश भर की सभी अवैध कब्जाई गई भूमियों को कब्जा मुक्त कराया जाए, जिसके लिए प्रदेश की मुख्यमंत्री ने एंटी भू माफिया पोर्टल भी शुरू किया था, जिसे जल्द से जल्द अवैध रूप से कब्जाई गई भूमियों को कब्जा मुक्त किया जा सके। जिला प्रशासन भी हर रोज ऐसी भूमि को चिन्हित कर रहा है जिन पर अवैध कब्जा है, लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल यह है कि भूमि को अवैध कब्जा मुक्त कराकर वाही लूटने के लिए कहीं प्रशासनिक अधिकारी जनता का शोषण तो नहीं कर रहे हैं या फिर कोई बड़ा खेल तो नहीं खेला जा रहा है। करीब 7 हेक्टेयर और ये काफी पहले से शत्रु संपत्ति घोषित हुई थी, लेकिन अभी तक दूसरे लोगों का कब्जा चल रहा था। आज पूरी फोर्स और तहसील की टीम आके शत्रु संपत्ति को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया है। दरअसल देश के बंटवारे के समय कुछ लोग मुजफ्फरनगर छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे, तब उनकी संपत्ति को शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया गया था, जिसके बाद कस्टोडियन विभाग ने उस संपत्ति को अपने कब्जे में ले लिया था। सन 1982 में इस संपत्ति की नीलामी की गई थी और इन किसानों ने 1986 में संपत्ति का बैनामा कराकर इस संपत्ति को खरीदा था। जिस संपत्ति को सरकार खुद नीलाम कर चुकी है, उन लोगों के नाम बैनामा कर चुकी है, तो आखिर यह संपत्ति कैसे अवैध रूप से कब्जाई जा सकती है या फिर उस संपत्ति को दोबारा से कैसे शत्रु संपत्ति घोषित किया जा सकता है? यह तमाम सवाल प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर कई सवाल या निशान लगा रहे हैं। मुजफ्फरनगर से कोमल भारद्वाज की रिपोर्ट, एनीवन न्यूज़।